लोकसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। आसनसोल लोकसभा सीट को पाने के लिए भाजपा और तृणमूल के बीच जमकर चुनावी लड़ाई हो रही है। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो के समर्थन में बीते 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलो ग्राउंड से जनसभा की। इसके बाद उक्त जगह पर तृणमूल प्रत्याशी मुनमुन सेन के समर्थन में शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसभा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर वोट लेने वाला 5 साल केंद्र सरकार में रहने के बावजूद एक भी राम मंदिर नहीं बनवा पाए। भाजपा की ओर से कहा गया था कि जीत के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, लेकिन उप जगह पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। अपने आप को हिंदू के ठेकेदार कहने वाले आज एक भी राम मंदिर नहीं बनवा पाया है। उन्होंने कहा, मैंने तारापीठ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। आ काना ने माने माने केटे बोलू हम बोला है इतना बंगाल में अभी आके बोलता है। देखो बसंत का कोकिल होता है ना, बसंत के कोकिल जाने माँ बोल रहे जे बसंत का राशि कुहू कुहू करे डाके मोदी बाबू अपन कुहू कुहू करे डाके भोग पाखी आगे सबाई के धमका कर बोलते मित्र अभी मित्र चला गया अभी चुनाव आ गया ना बेचारा क्या करे अभी मीठा मीठा बात कहने पड़ता है। सब शत्रु हो गया वो अकेला मित्र हो गया। हम क्या चाहते हैं? आसनसोल एक हिंदुस्तान का माफिक रहे, एक बंगाल का माफिक रहे, लेकिन आसनसोल कोई दंगा स्थान नहीं बनाना चाहिए, कोई कम्युनल टेंशन नहीं बनाना चाहिए। आप देखिए हमारा कोई एमएलए चुनाव में जीतता है, हमारा मेयर जीतता है, हम कभी दंगा फसाद नहीं करने देता है। लेकिन किसको एमपी चुनाया था आप लोग? 5 साल कोई काम नहीं किया, दिल्ली में मिनिस्टर होकर बैठा रहा और इधर में हर रोज आके खाली गड़बड़ करता है, नाटकबाजी करता है और पब्लिसिटी बाजी करता है। जैसा उसका लीडर है वो भी वैसा ही लीडर है, उनका लीडर जैसा झूठा बात करते हैं वो भी वैसा ही झूठा बात करते। इसी के लिए आप और हमको अगर जनता के लिए काम करना है तो हमारा जो उम्मीदवार है मुनमुन सेन आपको पता है, महाभाई बोल रहे हैं जानन तो सुचित्रा देवी मृत्यु आगे मुनमुन का माता जी जो सुचित्रा देवी थे मृत्यु आगे 30 बजे कारो सब देखा करेंगे, क्योंकि मृत्यु कदिन आगे মুনমুনকে বলেছে তুমি মমতাকে ডেকে নিয়ে এসো এবং আমি কথা বলেছি। সুচিত্রা দেবী বলে গিয়েছিলেন আমার মৃত্যুর পর যা করার মমতা করবে আর কেউ কিছু করবে না, ও আমার পরিবারের একজন, তোমরা ভুলে যেও না মমুন কিন্তু আমার পরিবারের একজন, এটা মাথায় রাখবে। এবং মমুন সেন খুব ভালো প্রার্থী, আমি আপনাদের আবেদন করব, ওর সিম্বল আছে ওর ইভিএম মেশিনে 4 নম্বর চিহ্ন আছে 1 2 3 4 বিজেপির হবে হাট।